नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बताएंगे। वार्ड सदस्यों के लिए अस्थायी कमिटियों की गठन में जो रोड़ा बना हुआ था, जो दिक्कतें आ रही थी, सरकार ने उस पर अपना स्टैंड क्लियर किया है, सारा खबर हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं खबरों में। सबसे पहले खबर हम दिखाएंगे बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के संबंध में। जी हाँ, बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट बिहार सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है, जिनमें है जो है कि पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद स्तर तक जो 7 अस्थाई समितियां होती हैं जिन्हें गठित करने की जवाबदेही इन पदों पर निर्वाचित जो अध्यक्ष होते हैं पंचायतों में मुखिया जी, प्रखंड में प्रमुख साहब और जिले में जो है कि जिला पार्षद के अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो है कि जवाबदेही होती है। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो है कि चाहे जो भी वजह हो, अब तक बहुत सारे जो है कि समितियों का गठन नहीं हो सका है, जिसे जो है कि जनप्रतिनिधि के अधिकारों में जो है कि कटौती हो रही है। तो उसके संबंध में जो है कि महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट क्या है हम आपको बताते हैं। तो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में 7 अस्थायी समितियों का गठन 15 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया जाएगा। सभी अस्थायी समितियों का गठन निर्वाचन के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ निर्वाचन से हम आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, निर्वाचित सदस्य ही जो है कि निर्वाचन में भाग लेंगे। जैसे कि वार्ड सदस्यों के लिए जो अस्थायी समितियाँ गठित की जाएंगी उसमें वार्ड सदस्यों को ही चयन करने का अधिकार होगा। उसी तरह जो प्रमुख साहब करेंगे उसमें पंचायत समिति के सदस्य ही जो है कि निर्वाचन में भाग लेंगे और वही प्रक्रिया जिला परिषद के लिए अपनाई जाएगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि निर्वाचन के माध्यम से जो है कि समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन पंचायतों में निर्वाचन के माध्यम से अस्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया है वहाँ राशि रोक दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री बुधवार को विधानसभा में ढाका के विधायक पवन कुमार जायसवाल के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मॉनसून सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान ढाका के माननीय विधायक पवन कुमार जायसवाल के द्वारा सरकार से सवाल पूछा गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम में उल्लिखित जो 7 समितियाँ हैं, इन समितियों का क्या गठन हो चुका है, क्या प्रभावकारी तरीके से यह समितियां कार्य कर रही है। आपको बता दें कि पंचायतों में शिक्षा समिति, मानव विकास संसाधन विकास समिति के तहत जो है कि बहुत सारी समितियां होती है जिनका जो है कि बुक में उल्लेख है और उनमें जो निर्वाचित वार्ड सदस्य होते हैं वे लोग इसके अध्यक्ष होते हैं और ये लोग समय समय पर अपने विभागों का मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे जो है कि विकास कार्यों में हो रही देरी को कम किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन पंचायत निर्वाचन समाप्ति के उपरांत इन समितियों के गठन में मुखिया जी, पंचायत समिति के प्रमुख साहब के द्वारा रुचि नहीं लिए जाने की वजह से यह समिति जो है गठित नहीं हो पाई है। इसी को लेकर ढाका विधायक माननीय विधायक पवन कुमार जायसवाल ने जो है कि सरकार से सवाल पूछा और सरकार ने जवाब में कहा कि 15 दिनों के अंदर समितियों को गठित करने का निर्देश जो है कि राज्य सरकार भेजेगी, राज्यादेश भेजेगी और जिन पंचायतों में, जिन प्रखंडों में और जिला परिषद स्तर पर समितियों का निर्वाचन कराकर गठन नहीं होगा वहां जो है कि राशि रोक दी जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण खबर है। पंचायत राज प्रतिनिधियों के अधिकारों में वृद्धि की दिशा में पहल की है ढाका विधायक पवन कुमार जायसवाल ने। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, कमिटियां गठित होंगी, निर्वाचन होगा और निर्वाचन के आधार पर जो जिन विभागों के अध्यक्ष होंगे, वार्ड सदस्य जिन कमिटियों के अध्यक्ष होंगे, उनके अधिकारों में वृद्धि होगी। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए अब जो है कि बिहार सरकार के तरफ से जो है संविदा कर्मियों के लिए जो है कि एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार में जो है कि संविदा कर्मियों के मानदेय की शिकायत सरकार को विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होती रहती है। सरकार से बिहार के संविदा कर्मी समय समय पर यह मांग करते रहते हैं या शिकायत करते रहते हैं कि उनका जो है कि मानदेय की राशि
वर्षों का बकाया है और उसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, जिससे संविदा कर्मी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार का कहना है, सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि सभी संविदा कर्मियों के मानदेय का जो डिमांड है वह जो है कि मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय तक पहुंच चुका है और जो है कि सरकार अब इस दिशा में पहल करते हुए वित्त विभाग को डिमांड पत्र बनाकर विभागवार भेज रहा है और वहां से जो है कि राशि की आपूर्ति का ज्यों ही जो है कि पत्र प्राप्त हो जाएगा, वित्त विभाग जो है कि इसके लिए राशि आवंटित कर देगी। बिहार में कार्यरत जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी के बकाए मानदेय का भुगतान सरकार तत्काल तौर पर करने जा रही है और सरकार ने जो है कि इसके लिए बाजाब्ता प्रखंडों से जिले में और जिले से राज्य में डिमांड पत्र मंगवा लिया है। तो यह इस वक्त की जो है कि बड़ी खबर है जो है हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के तमाम वैसे संविदा कर्मी जिनका जो है कि वर्षों का मानदेय बकाया है उस दिशा में सरकार ने कार्रवाई किया है और कार्रवाई करते हुए सारा जो है कि मांग पत्र डिमांड जो है कि राज्य स्तर तक पहुंच चुका है और प्रदेश स्तर से वित्त विभाग को निर्देश जारी किया गया है कि कितनी खर्च जो है कि होने वाली है उस राशि का वहन वित्त विभाग करेगी और सभी संविदा कर्मियों को उनके बकाए मानदेय का भुगतान हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।